हाय फ्रेंड्स, अपन ने आरटीपी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स यानी आपके इनकम टैक्स जो 60 मार्क्स का आपका दिया गया है उसकी अपन ने आरटीपी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। और यहाँ पर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इसमें आपके जीएसटी है 40 मार्क्स के अंदर, तो वहाँ जो नवंबर 21 के लिए आपके आरटीपी दी गई है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि यहाँ पर जो आपके आरटीपी है इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ढंग से करने हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से तैयार करना है। क्योंकि मैंने कहा कि आरटीपी में स्टेचरी अपडेट आते हैं और उन स्टेचरी अपडेट के साथ ही आपको क्या है कि एग्जामिनर फोकस करता है आपके अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। तो डियर, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए आरटीपी, और आरटीपी का सबसे पहले केस स्टडी दे रखी है, तो अपन केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। आरटीपी में सबसे पहले केस स्टडी दे रखी है, तो अपन उस केस स्टडी को यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं केस स्टडी ले रहा हूं, फर्स्ट आपके जीएसटी की आपके केस स्टडी है। इसमें मैंने कहा आईडीटी के अंदर आपका टाइमिंग बहुत बचता है, बहुत सेव होता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने कहा कि इनकम टैक्स में तो आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आईडीटी के अंदर आपको टाइम नहीं लगता है, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं फर्स्ट केस स्टडी ले रहा हूं यहां पर जीएसटी के अंदर, जो सबसे पहला आ रहा है पॉइंट, एमएम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर 12AA ऑफ इनकम टैक्स। दिस आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1931। तो चैरिटेबल एक्टिविटी आपकी करेगी तो इसकी आपकी सप्लाई पे जीएसटी से देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। द ट्रस्ट कंडक्ट ए 3-day रेजिडेंशियल योगा कैंप, 3 days रेजिडेंशियल योगा कैंप अमॉन्ग द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द योगा एंड चार्ज ₹7,500 पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑफ स्टे एंड फूड। तो देखो योगा, इंटरनेशनल योगा भी है, तो आपके मैंने कहा योगा है बाबा रामदेव का, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो आपके एडवांसमेंट ऑफ योगा है तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, और ये उस सप्लाई के ऊपर आपके जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी आपके। आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाई में पढ़ाया था, तो मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था, याद करो। द ट्रस्ट ऑल्सो कंडक्ट, इसके अलावा क्या करेगा, प्रोग्राम फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ ए पर्सन एज 65 ईयर इन द मेट्रो सिटी। जो एग्जेम्प्शन है वो 60 ईयर वाले के लिए है, लेकिन कहां पर है, रूरल एरिया में, ये मेट्रो सिटीज में है, तो ये टैक्सेबल है। फॉर नॉमिनल फी चार्ज फॉर द सेम इज द टैक्सेबल सप्लाई, दिस द टैक्सेबल सप्लाई नॉट एग्जम्पशन, कोई एग्जम्पशन नहीं है एजुकेशन के लिए, तो ये आपके टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, ये कोई एग्जम्पशन में नहीं है, तो ये आपके एग्जम्प्टेड सप्लाई का पार्ट नहीं होगी। द ट्रस्ट रिसीव फॉलोइंग डोनेशन, ये डोनेशन रिसीव हो रही है ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ सितंबर, और ये आपके सितंबर मंथ में ये डोनेशन रिसीव हो रही है, डोनेशन आपको रिसीव हो रही है, तो जो डोनेशन रिसीव हो रही है तो क्या एग्जेम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी, तो उसमें आ रहा है सॉलिड स्टील प्राइवेट लिमिटेड डोनेटेड ए आरओ वाटर प्लांट टू द ट्रस्ट कॉस्टिंग ₹75,000, यानी आरओ का प्लांट डोनेट किया है 75,000 का, एंड डिस्प्ले इट्स कंपनी नेम, और उस पर कंपनी का खुद का नाम डिस्प्ले कर दिया, कंपनी का खुद का नाम डिस्प्ले कर दिया, तो कंपनी इस पर अपना बेनिफिट लेना चाहती है, अपना डिस्प्ले पे नाम लगा दिया, यानी कंपनी एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अपने खुद का बेनिफिट ले रही है, एडवर्टाइजमेंट हो गया एक तरह से, उसको एडवर्टाइजमेंट बेनिफिट ले रही है खुद।
बाई कंपनी डिस्प्ले करके, तो ये तो टैक्सेबल सप्लाई होगी, तो फिर क्या होगी, टैक्सेबल सप्लाई, इट्स ऑल्सो टैक्सेबल सप्लाई, तो ये आपकी क्या जाएगी, टैक्सेबल सप्लाई में आपका कंसीडर होगा। आरओ सिस्टम इंस्टॉल इन द प्रमिसेस ऑफ द ट्रस्ट एंड डोनेटेड बाय सॉलिडेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, खुद का नाम उसने लगा दिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट बाय ऑल। इसके बाद दूसरी डोनेशन आ रही है, मिस्टर परसाना ए लॉयर डोनेटेड ए चेयर टू ट्रस्ट कॉस्टिंग ₹25,000 एंड लव ऑल, और उसने क्या नोट करा दिया, लव ऑल इट्स प्रिंटेड ऑन द चेयर्स डोनेटेड बाय टू द ट्रस्ट, ये एग्जेम्प्ट हो गई क्योंकि इस पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, लॉयर को कोई बेनिफिट नहीं मिला, लव ऑल, लव ऑल सभी के लिए है। तो आपके मैंने कहा कि ऐसी डोनेशन दी जा रही है जो कि पता नहीं चल रहा कि कौन पर्सन इसमें डोनेशन कर रहा है, तो वो वास्तव में डोनेशन है, नाम का बेनिफिट नहीं लेना चाह रहा, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई में काउंट की जाएगी। तो ये आप किसमें काउंट की जाएगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई में काउंट आपके की जाएगी। तो ये आपके एग्जम्प्टेड सप्लाई में काउंट करने के लिए इसमें कंसेप्ट आपके बता रहा है। आगे लेते हैं, द फॉलोइंग आर डिटेल ऑफ जीएसटी पेमेंट मेड बाय द फर्म, जीएसटी ऑफ ₹1,70,000 वाज पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द नीडली पर्सन, नीडली पर्सन को लाने के लिए आपके परचेज किया है, सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग द ड्राइवर इज 13, मैंने कहा 13 या उससे कम के हैं तो उसका ITC ब्लॉक क्रेडिट में है, तो ये आपका ब्लॉक क्रेडिट 13 और लेस देन 13 आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ऑफ ड्राइवर, दिस अ ब्लॉक क्रेडिट, तो ब्लॉक क्रेडिट में कंसीडर होगा। जीएसटी ऑफ ₹2,40,000 वाज पेड फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर द सुपर बिल्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रस्ट ऑफिस ऑफ बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग बना रहा है तो भी उसका ITC तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक क्रेडिट में ही ये आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, ITC नहीं मिलेगा, इट्स पार्ट ऑफ द ब्लॉक क्रेडिट। 17.5 The charitable trust also on a manage गुरुद्वारा, क्या मैनेज किया जा रहा है, गुरुद्वारा जो कि रिलीजियस पर्पस है, रेंटेड द कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल का रेंटेड आ रहा है, लोकेटेड इन द प्रेसिंट ऑफ द गुरुद्वारा फॉर ए रेंट ऑफ ₹8,500 a day, तो ये आपके 10,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है। मैंने यही बताया था 10,000 और मोर होगा तो टैक्सेबल होगा, यदि गुरुद्वारा का किराया 10,000 और मोर पर डे है तो आपके क्या हो जाएगा, एक टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये तो 10,000 से कम है, पर डे और लगा देना, पर डे तो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया जी, एग्जेम्प्ट हो गया, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। फंक्शन इज ऑल्सो रेंटेड द कॉमर्शियल शॉप, कॉमर्शियल शॉप का किराया भी 10,000 और मोर है पर मंथ, पर मंथ तो टैक्सेबल है, लेकिन यहां पर आपके बारे बता रहा है प्रिंसेस गुरुद्वारा फॉर ए रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ, रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ तो टैक्सेबल है, यानी 10,000 से ज्यादा या इक्वल भी है 10,000 के रेंट, रेंट यदि आपके आ रहा है 10,000 से ज्यादा या इक्वल है पर मंथ तो टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जम्पशन होने के लिए 10,000 पर मंथ से कम होना चाहिए था, टैक्सेबल सप्लाई हो गया। यू आर एज्यूमिंग दैट द ट्रस्ट इज द रजिस्टर्ड, उसने कहा रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली, कंडीशन फॉर अवेलिंग ITC आर फुलफिल सब्जेक्ट टू द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके अबाउ मेंशन इन्फॉर्मेशन आपके बता रखा है, तो आप इसको किस तरह से करेंगे, देखिएगा फर्स्ट अपन देखते हैं किस तरह से आपके होगा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1-4, विच इज द फॉलोइंग एक्टिविटी कंडक्ट ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो मैंने कहा एडवांसमेंट ऑफ योगा एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन टैक्सेबल है, बोथ ए एंड बी करेक्ट, नाइदर ऑफ द एक्टिविटी, ये भी, तो आपका आंसर हो गया
ए आपका इसमें आंसर दिखाई देगा, यानी आपका ए इस केस में आप क्या हो गया आंसर, करेक्ट आंसर इसमें आ गया जी। आगे बात करें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट। तो मैंने उसमें आपको बताया था केवल जो स्टील कंपनी थी जो अपना नाम खुद प्रिंट करा रही थी तो उसकी सप्लाई टैक्सेबल होगी, तो आंसर आ जाएगा 75,000 इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस केस में आंसर आपके बताता है, यानी आंसर आ गया 75,000 इस केस में आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट जी, बिल्कुल सर करेक्ट है, तो आंसर आपके हो जाएगा 75,000। तो बी पे टिक लगा लो, आप बी पे टिक लगा लेते हैं अपन। आगे लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दे रखा है, दो तो हो गए, दो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीएसटी में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय द ट्रस्ट। मैंने कहा ब्लॉक क्रेडिट में थी दोनों के दोनों इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने की भी नहीं मिलती, मोटर कार 13 और से या उससे कम के पैसेंजर सिटिंग कैपेसिटी होती है तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। तो आंसर है डी, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, इस केस में आपका आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है क्या? नहीं है, बिल्कुल सी बिल्कुल, ये हमारे इस केस में कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुरुद्वारा मैनेज, गुरुद्वारा मैनेज जो रिलीजियस पर्पस है, मैनेज बाय द एमएम चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मैंने कहा जो गुरुद्वारा के अंदर जो कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है वो तो आपके लेस देन 10,000 तो एग्जेम्प्ट है पर डे, लेकिन जो शॉप का किराया वो 10,000 और मोर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं शॉप टैक्सेबल हो गई। तो अपन बात करते हैं, देखो इसमें रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज टैक्सेबल ना, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल टैक्स नहीं, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज एग्जेम्प्ट, यस कम्युनिटी हॉल एग्जेम्प्ट है क्योंकि इसका किराया 10,000 से कम है, पर डे कम था। और विल द रेंटिंग ऑफ द कॉमर्शियल शॉप इज टैक्सेबल, यही आंसर है क्योंकि रेंटिंग ऑफ शॉप 10,000 पर मंथ और मोर है तो टैक्सेबल हो गया, यही आंसर आपके आ जाएगा। तो दिस द आंसर इज द बी, आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आपके दिखाई दे रहा है, तो आपके आंसर हो जाएगा बी जो कि एकदम करेक्ट आंसर इसमें आ रहा है। तो आपके केस स्टडी में 4 आपके क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया और मैंने कहा जीएसटी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट फटाफट आपके सॉल्व हो जाती हैं। अब अपना बात करते हैं आगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, सेपरेट क्वेश्चन है ये। Determine which of the following independent case will be deemed to be supplied, deemed supply, even if the made without consideration in term of schedule 1. Deemed supply किस में है? Mention in schedule 1. क्योंकि without consideration दिखाई दे रही है तो भी आपके supply अपन consider कर लेते हैं, consider आपके कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है AB and associate transfer stock, of goods from Mumbai branch to Kolkata. This is the deemed supply. यही है deemed supply. Correct है? Raghav, a dealer, air conditioner, permanently transfer the motor vehicle. Motor vehicle पे जब आपको ITC नहीं मिला, free of cost, ITC on said motor vehicle is blocked. तो ये supply नहीं है, not a supply. Not a supply. क्योंकि इस पे ITC नहीं लिया है, not a supply,
सप्लाई नहीं मिलेगा. और मिसेज रिधि एंड एम्प्लॉय ऑफ सन लिमिटेड रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम हम एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वर्थ रुपीज 25,000. तो 50,000 से कम है ये गिफ्ट. गिफ्ट आपके 50,000 से कम है तो नॉट इज सप्लाई, नॉट इज सप्लाई, नॉट सप्लाई. तो आपके आंसर हो गया केवल फर्स्ट ए. आंसर इज ए, जो कि आपके इसमें डिम्ड सप्लाई में फर्स्ट पॉइंट आपके आ रहा है, जहां की अपन स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं मुंबई से कोलकाता. आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. बहुत सीधे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो टाइम लग ही नहीं रहा, फटाफट आपके सॉल्व हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन. PZY Limited is engaged in manufacturing of motor car. तो इसके लिए मोटर कार क्या होगा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रही तो गुड्स है तो उसका ITC मिलेगा. द कंपनी पेड द फॉलोइंग GST टू इट्स सप्लायर अगेंस्ट द इनवॉइस रेस टू इट. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST लॉ. जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार मैन्युफैक्चर्ड बाई, ये पूछ रहा है इनएलिजिबल, यानी जिसका ITC नहीं मिलेगा. जिसका ITC नहीं मिलेगा तो इसका तो ITC मिलेगा, एलिजिबल है ITC मिलेगा. बस परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय सीटिंग कैपेसिटी 23, तो 13 से ज्यादा है तो ITC इसका भी मिल जाएगा. लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय अंडर स्टेटरी ऑब्लिगेशन, स्टेटरी ऑब्लिगेशन है तो ITC इसका भी मिल जाएगा. आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज बाई एम्प्लॉय दिस द ब्लॉक रेट अंडर सेक्शन 17(5). दिस द इनएलिजिबल क्रेडिट पूछ रहा है, तो यही आपके इनएलिजिबल क्रेडिट है, यानी ITC का नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा. ब्लॉक रेट में लिखा हुआ है इनएलिजिबल क्रेडिट. तो आपका आंसर हो गया बी. कितना जल्दी आंसर आ गया, देखो इन एलिजिबल क्रेडिट टोटल भी नहीं लगाना, डायरेक्ट उसने पूछा है कि इन एलिजिबल क्रेडिट बता दो, तो आपका आंसर आ गया 3,50,000. इतना सिंपल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अपन बात करने जा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अंडर GST लॉ. इफ द सप्लायर हैज एरोनियसली डिक्लेयर ए वैल्यू विच इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड देन कैन इश्यू क्रेडिट नोट. करेक्ट है, ये तो करेक्ट है कि यदि, मैंने आपको बताया था कि यदि आपने इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर कर दी है जबकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कम की थी, तो बाद में आपको पता चला तो हम क्या रेज कर रहे थे, क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे थे. सर हम क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे थे, तो ये कह रहा है द सप्लायर हैज एरोनियसली डिक्लेयर वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, से ज्यादा शो हो गई, तो सर्विस प्रोवाइडेड देन द कैन इश्यू द क्रेडिट नोट. याद करो मैंने क्रेडिट नोट पढ़ाया था, तो क्रेडिट नोट इशू किया सही है. इफ द सप्लायर डिक्लेयर सम स्पेशल डिस्काउंट, सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज ऑफर आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, द
ही कैन नॉट इश्यू द क्रेडिट नोट, तो उसका क्रेडिट नोट दे सकता है नहीं दे सकता अंडर जीएसटी लॉ फॉर द डिस्काउंट ऑफर, नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपको कहा था आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई केवल तभी डिस्काउंट को लेस किया जाएगा जब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, जब पहली चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना चाहिए, दूसरा मैंने उसको रिलेवेंट इनवॉइस से लिंक करना चाहिए, तीसरा यदि रिसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर लिया है, रिसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर लिया है तो ही डिस्काउंट को हम लेस करते हैं, अदरवाइज डिस्काउंट लेस नहीं होगा। तो ये आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई है तो उसका क्रेडिट नोट आपके नहीं दिया जा सकता, तो उसका डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। तो ये भी सही है, करेक्ट है, करेक्ट है जी, करेक्ट है। इफ क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर इन द टैक्स इनवॉइस देन सप्लायर कैन इश्यू द डेबिट नोट, करेक्ट, डेबिट नोट इश्यू करेगा, पैसा चाहिए उसको ज्यादा, ज्यादा टैक्स चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन देयर इज नो टाइम लिमिट डिक्लेयरिंग द डिटेल ऑफ डेबिट नोट, डेबिट नोट के टाइम लिमिट क्यों नहीं है, बिल्कुल है डेबिट, तो यही गलत है। इन द रिटर्न आपको बताया टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट आप मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक इशू कर सकते हो, सितंबर मंथ की जो जीएसटी आर 3B फाइल कर रहे हो ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जीएसटी आर 9 विच आई विच अर्लियर वहीं तक का टाइमिंग होता है, तो आपका आंसर गलत है 4C। तो सी आंसर आपका रॉन्ग इसमें आपके बता रहा है, बाकी के तीनों सही है, आपके तीनों करेक्ट हैं, फोर्थ ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट। अब लेते हैं आगे, एट्थ, सर पीएल इज ए क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल सिंगर की सर्विस एग्जाम्ड होती है आपको पता है, तो यहां पर क्लासिकल सिंगर है लेकिन उसकी 150 तक एग्जाम्ड होती है। सी वांट टू ऑर्गेनाइज ए क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन सो ही बुक एन ऑडिटोरियम, अब वो ऑडिटोरियम बुक कर रही है, बुक एन ऑडिटोरियम 10th ऑफ अगस्त फॉर ए टोटल अमाउंट रुपीज 20,000, 10th ऑफ अगस्त के लिए बुक कर रही है और टोटल अमाउंट कितना रहा है 20,000। सी पेड 5,000 एज ए एडवांस दैट डे, देखो सर्विस के लिए मैंने कहा कि एडवांस सी हो गया तो भी आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा, तो 5,000 पे तो उसे एडवांस बेस पे टैक्स देना पड़ेगा, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एविज अर्लियर। लेकिन 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो, यदि 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो, यदि 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो जिस दिन, यदि 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया तो मैंने आपको बताया था, यदि 30 डेज में यदि आप इनवॉइस इशू नहीं करते हो तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच अविच अर्लियर लेके चलते हैं। तो यहां पर एक तो ये डेट आ जाएगी जब आपने पेमेंट किया 5,000 एज ए एडवांस ऑफ द डे, एंड द क्लासिकल सिंगिंग फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज ऑन द 10th ऑफ अक्टूबर, 10 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज हुआ, द ऑडिटोरियम ऑनर इशू ए इनवॉइस पेड ऑन 25th ऑफ नवंबर, 10 दिन के बाद, तो जिस दिन आपका प्रोविजन बनाया 10th ऑफ अक्टूबर, बाकी कैसे हो जाएगा अमाउंट रुपीज 20,000, तो इस केस में पेल मेड द बैलेंस पेमेंट 15,000 ऑन द 30th ऑफ नवंबर, तो 30 दिन के बाद है, आफ्टर 30 डेज। बाद क्या है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आपको लेना होगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और ये एडवांस बेस पे लेना होगा 10th ऑफ अगस्त एडवांस के लिए, आपको डेट ऑफ पेमेंट, तो दो डेट आप इसमें एक वर्क कर जाएंगी। इसका टाइम ऑफ सप्लाई 5th ऑफ नवंबर नहीं है तो गलत है, टाइम ऑफ सप्लाई 25th ऑफ नवंबर फॉर 5,000 एंड 30th ऑफ नवंबर, नो, टाइम ऑफ सप्लाई 10th ऑफ अगस्त फॉर 5,000 करेक्ट है, और 10th ऑफ अक्टूबर 15,000 यही सही है, करेक्ट है, तो यही आपको लेना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैसे मैंने आपको कहा था यदि आप विद इन द 30 डेज में पेमेंट कर देते हो तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच अविच, लेकिन 30 डेज में पेमेंट नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच अविच अर्लियर, तो बैलेंस अमाउंट के लिए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जो कि 10th ऑफ अक्टूबर को आपका फंक्शन हुआ वो डेट इसमें आ जाएगी, इनवॉइस रेज करने का टाइमिंग इसमें आपको नहीं अवेलेबल होगा।
तो ये रियर हमारे इस केस में आपके बता रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपके इजीली क्लियर हो गया होगा। करेक्ट जी, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल जी। तो आगे अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे लेते हैं अपन नाइन्थ। एबीसी लिमिटेड जनरेट ई वे बिल ऑन 12th ऑफ फरवरी ऑन 14th आवर्स। इट यूज ओवर डायमेंशनल कार्गो, बड़े वाले कार्गो जो होते हैं ना, बड़े वाले कार्गो, बड़े वाले ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो वो तो एक दिन में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट, यही था अपन ने। अब इसे कहा फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर के लिए अपन 20 किलोमीटर पर डे है, तो यानी आपको कितने दिन मिलेंगे, 5 डेज। तो अपन बात करें 12th फेब से ऐड कर दें 5 डेज, तो 17th ऑफ फेब टू 18th ऑफ फेब तक ये टाइमिंग आपको रहेगा, तो मिडनाइट 17 और 18 ऑफ फेब, तो आंसर हो गया आपका बी, आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 डेज पर डे है और मैंने कहा नॉर्मल कार्गो के लिए होता है 200 डेज, बढ़ गया 100 पहले तो हुआ करता था, अब हो गया 200, जो मैंने स्टेचरी अपडेट में आपको ऑलरेडी करा दिया, स्टेचरी अपडेट में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो ये हमारे इस केस में बताता है, तो ये आंसर हो जाएगा 17 और 18 फरवरी, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर मैंने आपको सारे जीएसटी के एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव सारे कर चुके हैं, अभी अपने पास टाइमिंग है, अपन सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके जीएसटी में इनका टाइमिंग नहीं लगता है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखो मैंने कहा स्टेचरी अपडेट कराया था, ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग बता रहा है, ई इनवॉइस के रिगार्डिंग आ रहा है, आंसर भी मैं इस तरह लगा देता हूं आपको, पढ़ने में इजी रहेगा। ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग बता रहा है, स्टार्ट करें, ये कह रहा है डिटरमाइन इन विच द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस मैन क्या है, ई इनवॉइसिंग इज अप्लाई, ई इनवॉइसिंग का केस है ये, मैंने स्टेचरी अपडेट में आपको कराया था ई इनवॉइस का कि एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। हरनाम एंड कंपनी डीलिंग इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइड मेड द सप्लाई टू द वेरियस रजिस्टर्ड an unregistered person in the preceding financial year, the aggregate turnover जो preceding financial में आ रहा है, in the preceding financial year 60 crore, तो मैंने कहा यदि 50 करोड़ से ज्यादा है, यदि turnover आपका aggregate turnover 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको e-invoicing required है, तो इस केस में आपको ई इन्वेस्टिंग रिक्वायर्ड हो जाएगी, क्योंकि 60 करोड़ आपके बता रहा है, लेकिन इसमें मैंने कहा बैंकिंग वगैरह इंश्योरेंस कंपनी को इसमें छोड़ा गया है। रिच एंड पुअर बैंक रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड एग्रीगेट टर्नओवर इज द 75 लाख, यानी ये एक्सेप्शन में है, इसको रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, मैं आपको शॉर्ट में करा चुका हूं, नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आपको मैंने कहा इतना सिंपल आंसर नहीं देना है, क्योंकि आपको मैंने कहा पूरे नंबर लेने हैं, 4 मार्क्स में आएगा, तो मैंने कहा जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर में देना होता है, तो आंसर आपको इस तरह से आपको देना रहेगा, इस तरह से आपको देना रहेगा। तो अपन पहले प्रोविजन के साथ डिस्कस करते हैं कि प्रोविजन क्या दिया है, फिर उसके साथ अपन बात करते हैं। मैंने कहा ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन,
इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल कहां से 17-18 एंड ऑनवर्ड ग्रेटर देन 50 करोड़ 50 करोड़ से ज्यादा है आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यू ई इनवॉइस इन रेस्पेक्ट टू बी टू बी सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ए रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन द फॉलोइंग एंटिटी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस यानी एग्जम्प्ट है ये सब एग्जम्प्ट है जिनको आपको ई इनवॉइसिंग से एग्जम्प्शन है किससे ई इनवॉइसिंग से कहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में है सेज यूनिट इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी तो वो मैंने कहा इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी थी इसको रिक्वायर नहीं है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी जीटीए सप्लाई सर्विस इन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन ए गुड्स कैरेज और सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर्सन सप्लाइंग ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ द एडमिशन टू एग्जीबिशन सिनेमा ऑटोग्राफिक फिल्म्स ये आपको मैं करा चुका हूं इन द मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जो मैंने आपको स्टेचरी अपडेट कराए थे ना उसमें पूरे पॉइंट कराए स्टेचरी अपडेट कराया उसमें पूरे पॉइंट कराए द अबव मेंशन एंटिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस इवन इफ देयर टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़ इन ए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड ऑनवर्ड इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजन आंसर टू अब आंसर देते हैं अपन तो मैंने आंसर तो पहले ही दे दिया था आंसर तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ हर नाम एंड कंपनी एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर एप्लीकेबल फॉर ई इनवॉइसिंग द हर नाम एंड कंपनी इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी इश्यू ई इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई मेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन बैंकिंग कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है देखो ये ना बैंकिंग कंपनी था ना इंश्योरेंस बैंकिंग एनबीएफसी को नहीं है स्पेशली एग्जम्प्ट फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग इवन द टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़ चाहे उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा क्यों ना हो द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल दस ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल फॉर रिच एंड पुअर बैंक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमारे अलावा ले लेते हैं तो पहले उसका आंसर ले लेते हैं आंसर गिवन है सिंपल सा आंसर है आंसर ले लेते हैं आपको ज्यादा कुछ इसमें स्ट्रेस नहीं लेना फटाफट आपके सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है बहुत सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है आईटीसी का मैंने क्वेश्चन आता ही आता है मिस्टर निकुंज ए सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर द रेगुलर स्कीम ही इज नॉट एलिजिबल एनी थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन He has made the following toward the taxable supply in the month of August. और ये अगस्त मंथ में taxable supply आपके कर रहा है. Intrastate, यानी इस पे intrastate supply of goods, 6%. तो ये supply कर रहा है. तो मैंने कहा intrastate है, तो इस पे CGST और FGST पे करना होगा at the rate of 9%. Normally अपन 9% की rate लेते हैं. ये दे रखा है इसने rates.
9%, यानी 6 लाख का मैं निकालूं 9%, 54,000 आउटपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई एट द रेट ऑफ 18% आईजीएसटी, 36,000. He has also furnished the following information in respect of the purchase made by him. Registered dealer during the August. Intrastate purchase of goods. 4 lakh. 4 lakh rupees. Purchase hai to ye aapka kya banega? Sir, ITC banegi. Isme mere ITC banegi. To intrastate pe CGST aur SGST. 9% aur 9%. Kita ho gaya? 4 लाख का 9% 36,000 और 36,000 और ये 18% आईजीएसटी. ठीक है, बैलेंस आईटीसी अवेल बिगिनिंग ऑफ द अगस्त, सीजीएसटी 15,000, एसजीएसटी 35,000 और आईजीएसटी 20,000, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे. ठीक है, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी 9% और 18% रेस्पेक्टली बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई. बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई गिवन द एक्सक्लूजन ऑफ टैक्स और ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड और मिनिमम जीएसटी पेबल बाय मिस्टर न्यूकिन्स कैश फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. तो आप थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे कि अपन ने क्वेश्चन क्या चाहता है तो कैसे करेंगे. तो मैंने कहा कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त. उससे पहले अपन देखते हैं कंप्यूट द आईटीसी, टोटल आईटीसी कितनी है. मैंने कहा टोटल आईटीसी पहले लो ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 15,000, 35,000 और 20,000. एडिशन कर दो जो मैंने आपको करवाया है. ऐड आईटीसी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई वैल्यू 50,000, जैसे अपन बात करते हैं 9,000, 18% आया ना. और इसके बाद ये आ गया 36,000 और 36,000 टोटल आपकी ये आ गई दिस मंथ 51,000, 71,000, 29,000. अब आउटपुट सप्लाई कितनी है तो उस केस में अपन बात करते हैं. आउटपुट सप्लाई मैंने कहा कि इस पे आ गए 54,000 कैलकुलेट करा दिया था, ये आ गई थी 36,000. ये मैंने सब कैलकुलेट कर रखा है 36, 54, ये आईटीसी बस टोटल लगाया इसमें. अब पेबल कैसे निकालेंगे तो मैंने कहा सबसे पहले आईजीएसटी से स्टार्ट करते हैं. तो आईजीएसटी मेरा कितना है 36,000 और मेरे पास इनपुट कितना पड़ा आईजीएसटी का 29,000, तो बाकी का मुझे पे करना पड़ेगा. फिर मैं आता हूँ सीजीएसटी में. सीजीएसटी में मेरे पास 54 इनपुट पड़ा है, 51,000 पे करना पड़ेगा. लेकिन एसजीएसटी मेरे पास बल्क में पड़ा है, 54 है, लेकिन मेरे पास पड़ा कितना है ये आपके सामने देखो 71,000. यार 71,000, तो 71,000 तो 54 तो इधर पूरा हो गया तो ये तो कुछ नहीं पे करना. लेकिन 71 माइनस आपने कितना यूज किया 54, एस जी एस टी की बात हो रही है तो बच गया बैलेंस कितना 7,000. तो ये 17,000 इस केस में बच गया. अब 17,000 बच गया तो अब अपन बात करें 36,000 माइनस 29,000 बचा 7,000. तो इसमें से 7,000 SCST अपन कंज्यूम कर लेंगे, बाकी का बैलेंस कितना बचा रह जाएगा आपके लेजर में 7,000 का आपके लेजर इसमें बैलेंस बचा रह जाएगा. ये हमारे इस केस में आपके बता दो. तो मिनिमम जीएसटी पेबल पूछा है बाय कैश, तो ये आपको पे करना होगा. आई थिंक आपको समझ में आ गया कितना कैश पेमेंट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना जाएगा. हाँ सर बिल्कुल हो गया, सिंपल क्वेश्चन था जी. आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और देखो जीएसटी के कितने छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं.
ये वर्किंग नोट भी आपको मैंने कहा लिख के आने, और एक एक वर्किंग नोट आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी में, और इनकम टैक्स भी लॉ है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरे वर्किंग नोट आपको देख के आने हैं, लिख के आने हैं। भैया मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस के साथ। नमो शंकर लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई, कहां का है, मुंबई का है, महाराष्ट्र का, हैज सप्लाइड गुड्स इन नारद ट्रेडर्स नंदीप मोटर्स लिमिटेड इन अहमदाबाद गुजरात, गुजरात में सप्लाई करेगा तो आईजीएसटी, ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, एंड पुणे, पुणे है महाराष्ट्र में तो ये इंट्रा स्टेट, इंट्रा वो इंटर स्टेट, दो को कर रहा है तो एक को इंटर और एक को इंट्रा। नमो शंकर हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल, इसमें आ रहा है नरद एंड नंदी मोटर्स प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10,000 एंड 30,000, पैकिंग चार्जेज हमेशा इंक्लूड होंगे, ऐड होंगे, कमीशन ऐड होगा, वेटमेंट चार्ज ऐड होगा, ये सब किसके पार्ट हो गए, सेक्शन 15C, 15C में मैंने कहा ऐड होने वाले आइटम है। डिस्काउंट फॉर प्रमोट पेमेंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस 1000, तो डिस्काउंट आप क्या होता है, लेस होता है, डिस्काउंट आप क्या होता है, लेस होता है, ये अपन ने पढ़ा था 15(3) में, 15(3), ये 15(2)C है, ठीक है ना जी। आइटम गिवन इन पॉइंट सेकंड एंड फोर हैव नॉट बीन कंसीडर विल अराइविंग एट द प्राइस ऑफ द गुड्स गिवन इन द पॉइंट वन अबव, कंप्यूट द जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एस में भी केस में भी, नमो शंकर फॉर द गिवन द मंथ अज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्सेस टू बी सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18%, मेक सुटेबल एग्जम्पशन वेयर नेसेसरी, सप्लाई मेड नरद ट्रेडर इज इंटर स्टेट सप्लाई, यानी जिसपे आईजीएसटी लगेगा, तो दोनों के अलग अलग सप्लाई कर लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं। तो ये अभी मैंने आपको सॉल्व यहीं करा दिया, प्राइस 10,000 है, ये ऐड हो जाएगा पैकिंग चार्जेज, वेटमेंट चार्जेज और इसके साथ आप कमीशन और ये वेटमेंट चार्जेस, और इसके बाद डिस्काउंट है वो लेस हो जाएगा, इसमें आ गया 11,000 और दिस वन, यहां पर इसको तो क्या कर रहे हैं, इंटर इंटर स्टेट है और ये इंट्रा स्टेट है पुणे, तो यहां पर लगेगा 18% और इसमें लगेगा 99% आपके रेट रहेगी। वर्किंग नोट आपके इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन तो बहुत जल्द हो गया लेकिन वर्किंग नोट मैंने कहा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किसमें था, 15(2)C इंक्लूडिंग कमीशन पैकिंग चार्जेस सप्लाई टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई वेटमेंट चार्ज आल्सो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैज इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सिंस डिस्काउंट इज नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सिंस सप्लाई मेड द नरद ट्रेडर्स इंटर स्टेट सप्लाई जो कि महाराष्ट्र में है और आईजीएसटी पेबल इन द टर्म ऑफ सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सिंस सप्लाई मेड टू नंदी मोटर्स इज इंट्रा स्टेट सप्लाई जो कि कहां है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है, सीजीएसटी इज पेबल बाय द सेम, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 13 जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ और फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आप बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से है आपका, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है उससे लिंक है, तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से आपके इसमें बताया है क्वेश्चन नंबर 13
एग्जाम वेदर द लायबिलिटी ऑफ टू रजिस्टर कंपल्सरी अंडर सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कंपल्सरी ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केस मेंशन बिलो ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट केस. तो मैंने कंपल्सरीशन पढ़ाया था कि यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो या कोई आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन टैक्सेबल नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर आपके कोई रिवर्स चार्ज में आपके जीएसटी पे कर रहा है, कोई भी मैंने कहा आईएसडीए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उनको आपके कहता है कंपल्सरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट आती है. या फिर गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को नोटिफाई कर दिया कि आप अच्छे आदमी हो, आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, तो वो पर्सन आ गया. या फिर मैंने आपको बताया था कोई भी पर्सन जो कि आपके सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट रखता है, तो जीएसटी में उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. या फिर कोई भी पर्सन सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट रखता है, तो वहां पर टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट रखता है, तो उसे कंपल्सरी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट आती थी सेक्शन 24 में. तो यही अपन बात करते हैं. हीना इज सप्लायर इन हरियाणा इज एक्सक्लूसिव एंगेज इन सप्लाई ऑफ पटाटोस प्रोड्यूस आउट कल्टिवेशन ऑफ ऑनलैंड कल्टिवेशन ऑन ऑनलैंड दिस द पार्ट ऑफ सेक्शन 23 एग्जेम्प्टेड सप्लाई. यानी जीएसटी के अंदर जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, जीएसटी के अंदर जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है विद इन हरियाणा एंड ऑल्सो आउटसाइड हरियाणा. तो ये तो एग्जम्प्ट हो गई भाई, एग्जम्पशन में है पटाटोस की एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चरिस्ट है, जीएसटी नंबर की जरूरत ही नहीं है. सिंपल आंसर. मैं कहा जीएसटी में आंसर फटाफट आते हैं, देखो है ना. अन्य ए तेलंगाना एक्सक्लूसिवली एंगेज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टॉय इज द एग्रीगेट टर्न ओवर करंट फाइनेंशियल 22 लाख. तो इसके लिए तो 20 लाख की लिमिट वर्क कर रही है. यानी एग्रीगेट टर्न ओवर इसका टर्न ओवर 20 लाख से ऊपर जाते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इसको तो रिक्वायर्ड है, यस जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे हायर थ्रेशोल्ड लिमिट गुड्स के लिए नहीं मिलेगी, 20 लाख से मिलेगी. मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश है आपके, मेघालय है ना, पुडुचेरी है, तेलंगाना है, तो इनके लिए तो 20 लाख की ही लिमिट वर्क करती है, 40 लाख की लिमिट वर्क नहीं करती है. तो अपन आंसर लेते हैं. सेक्शन 24 सीजीएसटी 2017 प्रोवाइड द पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी अंडर सीजीएसटी लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर. लेकिन इसने कहा हाउ एज पर सेक्शन 23, जैसे मैंने कहा ये बात हो रही है सेक्शन 23 के साथ, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू एक्सटेंड ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस आउट कल्टिवेशन ऑफ लैंड इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन. हीरा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द कल्टिवेशन एंड सप्लाई ऑफ द पटाटोस दस ही इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट द एंगेज इन मेकिंग द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फर्दर हीरा विल नॉट बी एबल टू रजिस्ट्रेशन इन द गिवन केस इवन हिज टर्नओवर एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट. चाहे तो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाए लेकिन फिर भी उसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो हॉली एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट है, हॉली एग्जम्प्टेड है, एग्रीकल्चरिस्ट है, तो इसलिए जरूरत नहीं है. लेकिन सेक्शन 22 आपके थ्रेशोल्ड लिमिट को बताता है. सेक्शन 27 रीड विद दिस नोटिफिकेशन सप्लाई इज liable for registration in state union territory where the make a taxable supply of goods and service aggregate turnover in a financial year exceeding the threshold limit. The threshold limit for a person making the exclusive intrastate supply of goods is as under 10 lakh aapke for MMNT Mizoram Tripura Manipur and Nagaland. Maine kaha Manipur Mizoram है ना त्रिपुरा नागालैंड 10 लाख 20 लाख मैंने कहा 6 स्टेट है जिसके अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश मेघालय पुडुचेरी सिक्किम तेलंगाना और उत्तराखंड ये 6 स्टेट है जिसमें. तो ये पार्टी किसमें अपने तेलंगाना में है, तेलंगाना में, तो 20 लाख का ही क्राइटेरिया मिलेगा. बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया 40 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया 40 लाख एक्सेप्ट द पर्सन इन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ द आइसक्रीम अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोक पान मसाला एंड तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग तंबाकू सब्स्टिट्यूट. तो अनन्या इज मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई इन तेलंगाना सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द हायर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन नहीं मिलेगी एंड इन केस ऑफ द एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द गुड्स द थ्रेशोल्ड
आपके एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन फॉर अनएनएस गिवन केस इज 20 लाख, दिस इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो वो जीएसटी के लिए लायबल आपके हो जाएगा। तो ये हमारे इस केस में मैंने आपको डियर सारी की सारी आरटीपी करा दी है, और अब आपका एग्जाम भी नियर है, पास में है, तो आप मन लगा के आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और मैंने कहा कि टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और उसमें स्कोरिंग क्या है, जीएसटी। देखो जीएसटी के अपन ने फटाफट विद इन द 1 आवर में आपके जितने भी आरटीपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, केस स्टडी थी, वो कंप्लीट कर ली, साथ साथ आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। और आपको ध्यान रखना है जीएसटी टैक्स है, लॉ है, तो इनकम टैक्स हो चाहे आपके जीएसटी, दोनों थ्योरेटिकल पेपर ही कंसिडर किया जाता है। तो जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद उनके पीछे वर्किंग नोट आपको अटैच करके आने हैं, तभी आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो आई थिंक अब आपने मेरे ख्याल से ये आरटीपी में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच।